कितने दिन से आ रहे हैं चाचा आप लोग इधर? तो आज ही आए हैं। आज आए हैं आप? कितने दिन से आ रहे हैं? आज ही आए। आज ही आए। अच्छा इधर हो क्या रहा है? पता कुछ नहीं है जी, हम तो कंपनी में ड्यूटी करते हैं। अच्छा हाँ, हमें कुछ पता नहीं है। नहीं पता? आपको पता है? अच्छा भैया आप कितने दिन से आ रहे हैं इधर? इधर से 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन इधर क्या हो रहा है? पता? इधर हो क्या रहा है? इधर ये चाचा लोग क्यों बैठे हैं इधर? खाना खिला रहे हैं आप? खाना खिला रहे? क्यों खिला रहे हैं खाना? खाना खिला रहे हैं गरीबों के लिए। खिला रहे हैं गरीबों के लिए खिला रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप इधर? 1 महीने। अच्छा क्या हो रहा है इधर? ये रोड जाम है, खाना वाना मिल रहा है। रोड जाम है, खाना वाना मिल रहा है। क्यों जाम है रोड? क्या पता, किसान के लिए जाम है। किसान के लिए? अच्छा किसान ऐसे ही आ गए इधर के? मतलब कुछ तो कारण होगा ना इधर आने का। क्या कारण है? नहीं पता। अच्छा क्या क्या मिलता है खाने को ये तो पता होगा? रोटी चावल जलेबी। जलेबी भी? हाँ जी। पिज्जा खाए इधर? पिज्जा भी मिल रहा है? नहीं खाए। ये देखिए इधर बच्चे खा रहे हैं। कब कितने दिन हो गए इधर आते हुए? इधर मेरे को 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते? क्यों बैठे हैं इधर लोग? क्यों खिला रहे हैं खाना पता है? नहीं आपको पता है? नहीं। कब से आ रहे हैं भैया इधर जी? कब से आ रहे हैं इधर? हम तो आज ही आए हैं। आज ही आए? अच्छा क्या हो रहा है इधर? हमें मालूम नहीं, आज ही तो आए हैं, बता तो रहे। आज ही आए? कब से आ रहे हैं आप लोग इधर? 20 दिन से। क्या हो रहा है इधर? लंगर खाना हो रहा है। किस बात का लंगर खिला रहे हैं? ऐसे ही बस? पता है पता है आप लोगों को? नहीं, ये तो अपनी श्रद्धा से खिला रहे हैं। श्रद्धा से खिला रहे हैं। जो खाना चाहता है वो खा सकता है, बाकी दो सबके पंजा अपने लिए तो उनके लिए तो है ही है। आप लोगों को नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? जा रहे हैं चाचा इधर? हाँ, अरे 5-6 दिन। 5-6 दिन से क्या हो रहा है इधर? लंगर चल रहा है। लंगर? किस बात का लंगर? किस बात का? हाँ कब से आ रहे हैं भैया इधर? हो गए 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन क्या हो रहा है इधर? खाना खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं। किस बात का? अब ये तो हमें नहीं पता, हम नया आए अभी। 4-5 दिन से आप आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता? किस तो रेगुलर नहीं आते ना, जैसे डेट हो जाता तभी आते हैं। अच्छा हाँ, आपको पता है किस बात का लंगर खिला रहे हैं? आप कितने दिन से आ रहे हैं? कई दिन हो गए जा रहे हैं। कई दिन, लेकिन ये नहीं पता किस बात का लंगर? आपको पता है? तो खबारे अपने पुण्य कर रहे हैं। पुण्य कर रहे हैं और क्या। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता? इन्होंने कहा कि लंगर चल रहा है, पुण्य के लिए किया जा रहा है। क्या हो रहा है चाची इधर? अच्छे के काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। इधर इधर क्या चल रहा है? भंडारे चल रहे हैं। भंडारे किस बात का? ये किसान लोगों को चला रहे हैं। अच्छा, ये पता है क्यों? महंगाई कम करने के लिए। महंगाई कम करने? कब से आ रही हैं आप लोग? तो अभी आ रहे हैं हम। नहीं, दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये पंजाबी में लिखा हुआ है और जो इधर के दिल्ली के लोकल है ना, अभी हमने शूट भी किया हुआ है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि इधर हो क्या रहा है, तो उन्होंने बोला लंगर चल रही है, सेवा चल रहा है। हम पूछ रहे हैं क्यों चल रहा है, तो उन्हें पता नहीं। तो आप लोगों को ना, ये जो लोग खाने आते हैं, जो ऐसे सिविलियन है दिल्ली के, उन्हें बताने की भी जरूरत है कि आप लोग इधर खड़े क्यों हैं, नहीं तो फिर आपका आना बेकार है। आप इतने दिन से खिला रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। यही तो हम बात कर रहे थे, हम इनको रोकना चाहते थे, इसमें हमारे पर भी फर्क ये पड़ रहा भी, पता नहीं क्यों खिला रहे इन लोगों को। हम तो ऐसे भी, जो गुरु नानक ने लंगर चलाया उसे सबको देना है जी। जो गुरु नानक बाबा ने लंगर चलाया है, लंगर गुरु गोविंद सिंह ने चलाया है गुरुद्वारे में, जो आया ना पंजाब से सिख लोग, ये मर्यादा है भी लंगर में हम किसी को भी जवाब नहीं देंगे, इसलिए लंगर खाता है। ये देखो इन लोगों की मर्जी है, ये खा के इन्हों को सच दसना चाहिए भी हम इस कारण जिमीदार किसान आया वा, जो काले कानून गवर्नमेंट ने बनाए है। हाँ, ये खाते हैं अब, मतलब इसलिए आते हैं भी लंगर लगा हुआ भी, अपनी रोटी खाओ, खा के चले जाओ बस, इसलिए हम इसलिए खिलाते हैं, हम इसलिए जवाब नहीं देते। जो हमारी परंपरा है, हम गरीब को हमारे परंपरा हमारे गुरु नानक ने सिखाया भी, गरीब की सेवा करना, मंजूम की सेवा करना, उसकी राखी करना, उस पीछे जाओ चाहे हमारी जान भी चली जाए सिख कौम की। पहले भी ऐसे होया, गुरु तेग बहादुर ने सबके लिए दिल्ली में शीश दे दिया था। क्यों दे दिया था? और उस टाइम
औरंगजेब जनेऊ तोड़ता था और कोई नहीं किसी की सुनता था। गुरु नानक गुरु छे नौवें पातशाह ने गुरु तेग बहादुर ने बोल दिया था भी जा रो औरंगजेब को बोल दो भी हमारा भी हमारे को बना लो मुसलमान हमारे को बना लो भी मैं जे बना मेरे बना लूँगे गुरु तेग बहादुर को तो हम भी बन जाएंगे। इसलिए फिर दिल्ली में शीश देना पड़ा। एक जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारे दिल्ली के बहुत भाई और चाचा और चाची लोग आ तो रही हैं इधर लंगर में खाना भी खा रहे हैं लेकिन उनकी जागरूकता की इतनी कमी है कि पूछने पे वो ये तक नहीं बता पा रहे कि हमारे किसान यहाँ आए क्यों हैं। वो ये तक बता रहे हैं कि हम 15 दिन 1 महीने से खाना खा रहे हैं लेकिन ये तक नहीं बता पा रहे कि ये लोग खाना क्यों खिला रहे हैं। इस तरह की समस्या है। मैं हरियाणा का हूँ। किसान तो सभी का पेट भरता है। यहाँ दिल्ली के तमाम ऐसे हमारे लोकल के लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, इन्होंने बताया कि हमारी सभ्यता संस्कृति और परंपरा रही है कि हम जो भी हमारे द्वार पे आता है उसको खाना तो खिलाते हैं लेकिन मेरा कहना है आप लोगों से कि जो लोग अपने घरों में हैं या जो लोग इनके सपोर्ट में इधर आ रहे हैं उन्हें हमें और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिसके प्लेट में जिसका बनाया भोजन खा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके भी आएँ। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं इधर लंगर चल रहा है भंडारा चल रहा है किस बात का चल रहा है ये भी इन्हें नहीं पता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी थोड़ी अपनी जागरूकता बढ़ाइए, थोड़ा हमारे किसानों को सपोर्ट करने की आपको भी ज़रूरत है। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दिल्ली के लोगों को भोजन करा रहे हैं और हमारे किसान तो सबके प्लेट में रोटी डालते हैं। एक बात एक किस्सा आपको मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तब हम लोग सैतानी करते हुए वो जो ट्रॉली में गन्ना जा रहा था उधर से गन्ना खींच रहे थे चुराने के लिए, उन्होंने अपनी ट्रैक्टर को रोका और उन्होंने कहा बेटा 2 ले जाओ। वही गन्ना हमारा किसान का दिल इतना बड़ा होता है कि आप 1 लेंगे तो वो आपको 2 देने को तैयार होगा। तो इनका दिल ऐसे भी बहुत बड़ा है। आपकी क्या राय बन रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं तो आइए देवल इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आपको देंगे राप्ती टी के संपूर्ण रेंज 5 रुपए से लेकर के 25 किलो तक का, और साथ में राप्ती चॉकलेट टी, राप्ती जिंजर टी, राप्ती मसाला टी और कई राप्ती के फ्लेवर्स। तो अभी कॉल करिए 7007789842 पर।